Hey, subscribe my YouTube channel. For more videos, click the bell icon. Hey guys, this is Amna Patel. Welcome back in my YouTube channel. दोस्तों, विदार्थ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एबरानी की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रैंडम स्क्रीन कलर शो हम कैसे कराते हैं एप्लीकेशन में, ठीक है जी। तो यही आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही छोटी होगी और बिल्कुल ईजिली तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लॉक्स लेनी होती है, तो आप हमें क्लॉक सर्च कर लीजिए, यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ पे आपको टाइमर ऑलवेज 5 बंद कर देना है और आपको 500 टाइम्स ले लेनी है, ठीक है। मिली सेकेंड में होता है ये, ठीक है। उसके बाद आपको ब्लॉक्स में जाना है, बस आपका काम हो गया। उसके बाद से ब्लॉक्स में जाएंगे, स्क्रीन पे जाना है। जैसे ही आपका स्क्रीन इनिशियलाइज हो, ठीक, क्या करे, क्लॉक्स में जाए और यहाँ पे जस्ट नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइमर जो होता है, टाइमर ऑलवेज फायर से को यहाँ पे जस्ट नीचे इनेबल कर दीजिए, ठीक है जी। उसके बाद से इनेबल को यहाँ पे आपको ट्रू करा लेनी है, ओके। ट्रू कराने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लॉक्स में जाइए। क्लॉक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लॉक टाइमर का यहाँ पे मिल जाता है, जैसे क्लॉक टाइमर डू अभी क्या काम करने वाला था। फिर स्क्रीन में जाइए, स्क्रीन में जस्ट नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मिल जाता है, इसे ड्रैग करके यहाँ पे रख दीजिए, ओके जी। उसके बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको कलर्स मिल जाते हैं। कलर्स में आपको जस्ट नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेक कलर का ऑप्शन मिल जाता है, इसे आपको ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद जस्ट बैकग्राउंड कलर वाली जगह पे आपको इसको अटैच कर देनी है। अटैच करने के बाद ये जो आपको यहाँ पे नंबर्स वाले हैं, इसे बिल्कुल यहाँ से रिमूव कर दीजिए, यानी आपको यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट करने के बाद आपका मैथ में जाना है। मैथ में जाने के बाद यहाँ पे जस्ट नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, चलिए मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर रैंडम आपको मिल जाता है, ठीक है ना। अब इस रैंडम को आपको ले लेना है, रैंडम इंटीजर फ्रॉम, ठीक है ना, 1 to 100 तक है ये, तो आपको 100 तक भी रखना चाहे रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ और 0 से लेकर के यहाँ पे आपको 55 कर लीजिए, जैसा आपका मन करें, ओके जी। उसके बाद इसे डुप्लीकेट करके कॉपी करके आपको इन तीनों में यहाँ पे सेट कर देनी है, ओके। सेट करने के बाद अब चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं, देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन काम करने लगा है, ठीक है ना। तो आप भी ऐसे चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, रैंडम स्क्रीन कलर अपने बिजनेस में शो करा सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारा कलर बाय डिफॉल्ट चेंज हो रहा है ऑटो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।